हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उससे रूबरू करवा दूं। बिहार से ये खबर आ रही है जहां पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने लालू यादव पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि लालू यादव एनडीए के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है। आरोप यह है कि लालू रांची में जेल से ही एनडीए के विधायकों को ये ऑफर दे रहे हैं। सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि उन्होंने लालू यादव को सीधे फोन करके ये पूछा और कहा कि जेल से आपकी ये घिनौनी राजनीतिक हरकत सफल नहीं हो पाएगी। मैंने उस नंबर पर कॉल बैक किया और उन्हें ये बात सीधे सीधे कह दी। प्रकाश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। प्रकाश, ये तो मामला बिल्कुल अलग ही दिशा में जा रहा है। बिल्कुल, ये बात अब अगर सुशील मोदी ने बात की है लालू यादव से और उनके फोन को रिकॉर्ड किया होगा तो आज न कल वो बातें सामने आ जाएंगी, फोन रिकॉर्डिंग सामने आएगी। ये बात सच है कि जिस नंबर का उन्होंने जिक्र किया है वो लालू यादव के साथ ही होता है। उनके एक साथ में इरफान शख्स होता है जो बाकायदा फोन से सबको बात कराता है। ये ओपन सीक्रेट है रुपिता, ये लगभग लोग जान रहे हैं कि लालू यादव फोन से सबसे बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, मिलते जुलते हैं, कई बार तस्वीरें वीडियो भी आए हैं। लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए या फिर विधायकों को मंत्री बनाए जाने का लोभ देने का मामला ये पहली बार सामने आ रहा है, जो बेहद चौंकाने वाला है कि कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। महागठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी, जबकि विजय कुमार सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो जाहिर है कि खींचतान चल रही है। और जो आप मुझे 10 सेकंड में ये बता दीजिए कि ये अगर उन्होंने फोन पर बात की तो रिकॉर्ड तो किया होगा, ये रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने मोदी क्यों नहीं ला रहे सुशील मोदी? बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट करके सामने किया है और उन्होंने बाकायदा ये लिखा है कि उनसे उनकी बात हुई है और लालू यादव ने ही फोन उठाया, तो जाहिर है कि इसके अगर कोई सबूत है तो उन्हें देने चाहिए और ये बताना चाहिए कि लालू यादव की आवाज में उनकी बातचीत हुई है, तभी तो लोग यकीन भी करेंगे पूरे पुख्ता तौर पर। चुनाव खत्म हो गए लेकिन इंटरेस्टिंग मोड़ जो है वो अभी भी आते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं राजनीति में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया।